ओके हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम में ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग दोनों परफॉर्म यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लास ले लिए हैं, पब्लिक क्लास रैपर एग्जांपल 3, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पूरे के पूरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हम लोग ने एक एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल है बाइट बी इक्वल टू 10, शॉर्ट एस इक्वल टू 20, इंट आई इक्वल टू 30, लॉन्ग एल इक्वल टू 40, फ्लोट एफ इक्वल टू 50.0 F। ये हम लोग फ्लोट के लिए एफ यहाँ पे ऐड करते हैं। डबल डी इक्वल टू 60.0 D। कैर के लिए यहाँ पे हमने कर दिया है सी इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ए लिख लिया है। और बूलियन के लिए यहाँ पे हम लोग बी टू यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बी हम लोग ले चुके थे इसलिए बी टू यहाँ पे लिए हैं, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू कर दी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एक एक वेरिएबल सबके बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप में। तो यहाँ पे हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या लिया है, बाइट, यहाँ बी कैपिटल है इसका मतलब ये क्लास है, बाइट बाइट ऑब्जेक्ट इक्वल टू बी। जो यहाँ बी था, बी को हमने अपने असाइन कर दिया है इस बाइट ऑब्जेक्ट में। बाइट ऑब्जेक्ट में हम लोग ने क्या किया है, इसको असाइन कर दिया है। तो ये वैल्यू जो है 10, अब वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बाइट ऑब्जेक्ट की वैल्यू, मतलब 10 कॉपी हो गया इस बाइट ऑब्जेक्ट में। मतलब यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया हम लोग अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट लिया, शॉर्ट एस इक्वल टू 20, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू एस यहाँ पे असाइन कर दिया। ऐसे ही हम लोग इंटीजर, इंटीजर ऑब्जेक्ट इक्वल टू आई हमने ले लिया है, लॉन्ग के लिए भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट इक्वल टू एल ले लिया है, फ्लोट फ्लोट ऑब्जेक्ट इक्वल टू एफ यहाँ पे ले लिया है, डबल डबल ऑब्जेक्ट इक्वल टू डी हमने ले लिया है, कैरेक्टर कैर ऑब्जेक्ट इक्वल टू सी हमने ले लिया है, बूलियन बूलियन ऑब्जेक्ट इक्वल टू बी टू। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग कर लिए है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं सबको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज बाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सभी की वैल्यूज को हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अनबॉक्सिंग। यहाँ पे हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जो हमने बाइट ऑब्जेक्ट वगैरह ऊपर बनाया था यहाँ पे, ठीक है, उसको वापस से हम लोग इसमें साइन कर रहे हैं इस बाइट वाले प्रिमिटिव डेटा टाइप में। यहाँ पे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में हमने लिखा है, इसका मतलब वो प्रिमिटिव डेटा टाइप, अगर कैपिटल में लिखा होता तो ऑब्जेक्ट टाइप होता, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने क्लास लिखते हैं और यहाँ इंट भी लिखते हैं, इंट जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ही लिखा जाता है। बाइट बाइट वैल्यू इक्वल टू बाइट ओबीजे ऑब्जेक्ट, शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू इक्वल टू शॉर्ट ऑब्जेक्ट, इंट इंट वैल्यू इक्वल टू इंट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसको जो ऑब्जेक्ट टाइप थे उससे इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट उसको हम लोग यहाँ पे सबको प्रिंट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हम लोग ने ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग दोनों के दोनों यहाँ पे परफॉर्म किए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप में और ऑब्जेक्ट टाइप से चेंज करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप में। चलिए इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्लास रैपर एग्जाम्पल AMPLE एग्जाम्पल, और इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले क्लास बना लेते हैं और सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस रैपर एग्जाम्पल के नाम से। हम लोग चलते हैं इसमें ई में जावा BCA3 रैपर एग्जाम्पल डॉट
जावा, हमने इसको सबसे पहले सेव कर लिया, और यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल बना लेते हैं सबका। बाइट बी इक्वल टू 10, शॉर्ट एस इक्वल टू 20, देन उसके बाद इंट आई इक्वल टू 30, देन उसके बाद लॉन्ग LONG लॉन्ग L इक्वल टू 40, फ्लोट इक्वल फ्लोट F इक्वल टू 50.5F। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे डबल DOUBLE डबल D इक्वल टू 60.6D, 606 हो गया। हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, डबल हो गया। देन उसके बाद कैर सी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ए, देन उसके बाद बूलियन बूलियन बी टू इक्वल टू ट्रू। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे सबको डिक्लेयर कर दिए। अब देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट करेंगे इसका सबका। कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग बाइट बाइट ओबीजे इक्वल टू बी, बी असाइन कर दिए। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट ओबीजे इक्वल टू एस, एक एक करके असाइन करते जाएंगे। इंटीजर इंटीजर इंट ओ बी जे इक्वल टू आई, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉन्ग। ठीक है, सब कैपिटल्स में है क्योंकि यहाँ पे क्लास है, हम लोग लॉन्ग में यहाँ पे ले रहे हैं। लॉन्ग ओ बी जे इक्वल टू एल, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा फ्लोट फ्लोट ओ बी जे इक्वल टू एफ, देन उसका डबल 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 ऑब्जेक्ट ओ बी जे इक्वल टू डी। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे कैरेक्टर कैरेक्टर कैर ओ बी जे इक्वल टू सी, देन उसके बाद हम लोग लेंगे बूलियन बूलियन बूल ओ बी जे इक्वल टू बी टू। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑटो बॉक्सिंग हम लोग इसको कर लिए। अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम लोग एक एक करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज, हम लोग थोड़ा यहाँ समय बचा लेते हैं, और मैं यहाँ पे 8-10 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाइट ऑब्जेक्ट, और यहाँ प्लस देके मैं लिखूंगा बाइट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाइट की जगह यहाँ पे ले लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट ऑब्जेक्ट,
देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इंटीजर, तो इंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंट इंटीजर ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंटीजर के बाद आएगा लॉन्ग, लॉन्ग ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा फ्लोट, फ्लोट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं फ्लोट ओबीजे। देन उसके बाद आएगा डबल, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डबल ओ बी जे, डी ओ बी यू बी एल ई ओ बी जे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कैर ओ बी जे। देन उसके बाद बूलियन, बूलियन, और यहाँ पे हम लोग करेंगे बूल ओ बी जे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है इसको, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड ओपन कर लेंगे, और कमांड में हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस कमांड पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ सी डी बैक स्लैश, यहाँ पे लिखेंगे ई सी डी जावा बी सी ए 3। तो यहाँ पे उस फोल्डर पे हम चले गए, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जावा सी, और इस क्लास का नाम है रैपर एग्जाम्पल डॉट जावा। हम लोग इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं आया यहाँ पे, और हम लोग इसको रन कर लेंगे। हम लोग उसके लिए लिखेंगे जावा रैपर एग्जाम्पल, और इस प्रकार से हम लोग रन कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप था उसमें हमने वैल्यू असाइन किया था, और उसको हमने ऑब्जेक्ट टाइप में चेंज कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ऑब्जेक्ट को ही किया है। तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से अब किस में बदल गया, ऑब्जेक्ट टाइप में बदल गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग परफॉर्म करते हैं। जब भी हम लोग जावा को यूज करके कोई डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए कोई लिमिटेड वैल्यू हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है एक लिमिटेड वैल्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर जैसे हम लोग कोई बैंकिंग रिलेटेड हम लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर के डिजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई कोई 10 डिजिट, 15 डिजिट, 20 डिजिट, ठीक है, इस प्रकार से डिजिट्स होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे या तो कोई स्ट्रिंग हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, या तो कोई कैरेक्टर का सीक्वेंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लिमिटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए। प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि हम लोग उसमें डायरेक्ट मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मीन्स अगर हम लोग उसमें एक बार मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो टेम्प्रेरी मॉडिफिकेशन होता है, वो परमानेंट मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप में मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो परमानेंट मेमोरी में मॉडिफिकेशन की जा सकती है, और कहीं से भी की जा सकती है, आउटसाइड द क्लास भी हम लोग मॉडिफिकेशन वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रैपर क्लास को। फ्लोट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डबल वैल्यू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैर वैल्यू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बूलियन वैल्यू। इस प्रकार से हमने कर दिया, और इसकी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 100 कर देते हैं, यहाँ 200 कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 300 कर देते हैं, 400, 500 यहाँ कर देते हैं, 600, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कैपिटल एक्स, और यहाँ पे भी हम लोग ट्रू रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हमने बनाया है ऑब्जेक्ट टाइप। अब हमको यहाँ वैल्यू तो असाइन कर ही सकते हैं हम लोग, नो डाउट, लेकिन हम लोग को किसको असाइन करना है? हम लोग करेंगे यहाँ पे अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग मीन्स क्या होगा कि हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू लिया है, वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऑटो बॉक्सिंग में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, मीन्स ये बाइट ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 10, वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है, मतलब वो ऑब्जेक्ट टाइप में चेंज हो गया। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट टाइप को वापस से किस में चेंज करेंगे, अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में चेंज करेंगे। तो हम लोग इसी को बोलते हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इस वैल्यू को हटा देते हैं। यहाँ 200 की जगह हम लोग ये कर देते हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट, 300 की जगह हम लोग इंटीजर ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू डबल सॉरी फ्लोट, फ्लोट को कॉपी किया हमने और यहाँ पे असाइन कर दिया। देन उसके बाद हम लोग डबल को कर लेते हैं, डबल वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैर ओबीजे को भी हम लोग कर देते हैं, कैर ओबीजे को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। देन उसके बाद हम लोग बूल ओबीजे को भी हम लोग यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अनबॉक्सिंग कर दिया। मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट टाइप में था अब वो किस टाइप में चेंज हो जाएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन का पूरा यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंटिंग प्रिमिटिव वैल्यूज, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए डबल। देन उसके बाद कैर, उसके बाद बूल, बूल वैल्यू। ओके, इस प्रकार से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग कर देंगे वैल्यू, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अनबॉक्सिंग परफॉर्म कर लिया। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं, रन यहाँ पे हम लोग करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली और यहाँ पे हम लोग इसको रन कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज, ये थी हमारी ऑटो बॉक्सिंग और ये है हमारा अनबॉक्सिंग। ये वैल्यूज हम लोग को जो यहाँ पे मिल रही है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यू है और यहाँ पे जो हम लोग को मिल रही है वो ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यूज है। मीन्स ये हम लोग रैपर क्लास यूज करके हमने वैल्यूज को प्रिंट किया और यहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट टाइप से हमने चेंज किया प्रिमिटिव में और प्रिमिटिव टू चेंज किया ऑब्जेक्ट टाइप में, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग।